नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आप देख रहे हैं राजस्थान एट 11। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दूं मैं। इस वक्त की जो राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है, आज सरदार शहर आएंगे सीएम गहलोत। और आपको यह भी बता दें कि आज सरदार शहर में पहुंचकर गंजन सभा को संबोधित करेंगे। गांधी चौक पर यह जनसभा है जिसको संबोधित करेंगे सीएम गहलोत। और सरदार शहर से पहले बीकानेर जाने का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। जनसभा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको राजस्थान से बता रहा हूं, जहां पर आज सरदार शहर पहुंचने का कार्यक्रम सीएम गहलोत का है। उससे पहले बीकानेर जाएंगे और जनसभा को भी संबोधित गांधी चौक पर करते नजर आएंगे। तो गांधी चौक में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। सरदार शहर से पहले बीकानेर पहुंचेंगे सीएम गहलोत। तो पिछले 15 दिन में दूसरी बार सरदार शहर आ रहे हैं सीएम गहलोत, और कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा के समर्थन में जनसभा करते नजर आएंगे। पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस जाब्ता भी तैनात रहेगा। तो ये बड़ी खबर, दोपहर 1 बजे सरदार शहर पहुंचेंगे सीएम गहलोत, ये खबर है। और उससे पहले बीकानेर जाने का कार्यक्रम है। आज एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। अनिल शर्मा जो कि प्रत्याशी हैं, उनके लिए वोट मांगते नजर आएंगे, उनके समर्थन में यहाँ माहौल बनाते नजर आएंगे। फिलहाल पिछले 15 दिनों से दूसरी बार यह है जब सरदार शहर पहुंच रहे हैं सीएम गहलोत। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा के समर्थकों में जोश देखा जा रहा है और पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस जाब्ता मौजूद है। तो आज सरदार शहर आएंगे सीएम अशोक गहलोत, की बड़ी खबर इस वक्त की। गांधी चौक में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम। सरदार शहर से पहले बीकानेर पहुंचेंगे सीएम गहलोत, ये भी बड़ी खबर। जो तमाम तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो गई हैं। सीएम के पहुंचने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। 5 दिसंबर को होने वाला है सरदार शहर विधानसभा का उपचुनाव, और ऐसे में उपचुनाव से पहले यहां प्रत्याशी के संबंध में माहौल बनाते नजर आएंगे सीएम अशोक गहलोत। सरदार शहर से पहले बीकानेर जाने का कार्यक्रम, पिछले 15 दिनों में ये दूसरी बार है जब सरदार शहर पहुंच रहे हैं सीएम गहलोत। गांधी चौक में जनसभा को संबोधित करेंगे सरदार शहर से पहले बीकानेर पहुंचेंगे सीएम गहलोत। पिछले 15 दिनों में दूसरी बार यह है जब पहुंचेंगे सरदार शहर। पवन शर्मा फोन लाइन पर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पवन, कितनी तैयारी हो चुकी है, कितने बजे पहुंच रहे अशोक गहलोत? मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोपहर 1 बजे यहाँ पहुंचने का कार्यक्रम है। हेलीपैड पर तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई है और अंतिम रूप जो तैयारियां हैं उनको दिया जा रहा है। वहीं से गांधी चौक पर सभा, आम जो आम सभा है, कांग्रेस प्रत्याशी जो अनिल शर्मा है उसके समर्थन में मुख्यमंत्री दूसरी बार सरदार शहर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। और वहां से 3 बजे वापस जयपुर के प्रस्थान के लिए मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो है। और कांग्रेस कार्यकर्ता है, पुलिस जो प्रशासन है उसके द्वारा पूरी तैयारियां लगभग अंतिम रूप तैयारियों को दिया जा चुका है। जी बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि पिछले 15 दिनों में दूसरी बार है सरदार शहर पहुंचना अशोक गहलोत का, अनिल शर्मा के संबंध में लगातार माहौल भी बनता नजर आ रहा है, किस तरह की स्थिति इस सीट पर है? दिवंगत विधायक पंडित भवनलाल शर्मा के निधन के बाद क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है और मुख्यमंत्री जी पहले भी आए थे, उस टाइम उन्होंने यही कहा था कि हमारे लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है। तो उसी के हिसाब से मुख्यमंत्री दूसरी बार, और जो कांग्रेस के आला जो बड़े नेता है, जो मंत्री है, वो सरदार शहर में लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं। और उपचुनाव जो 5 दिसंबर को मतदान होना है, उससे पहले जो सरकार के हैं और भाजपा के, जो भाजपा है वो भी कह रही है कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आरएलपी के जो हनुमान बेनीवाल है, जो सांसद है, सुप्रीमो है, वो भी पूरा जोर लगा रहे हैं। तो त्रिकोणीय जो संघर्ष है वो बनता हुआ क्षेत्र में नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री का दौरा है, उसके बाद में कुछ समीकरण बदले या मुख्यमंत्री जी यहाँ पर अपनी घोषणाओं का क्या पिटारा खोलेंगे, क्या यहाँ की सभा को देंगे, इसलिए इस पर जो लोग कयास लगाए रहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री जो आज आ रहे हैं इसके बाद में समीकरण रहता है चुनाव पर। जी ठीक है पवन, शुक्रिया, आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा, मैं आगे भी आपके पास आता रहूंगा। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।